नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। मोबाइल पर अनजान नंबर से बजने वाली घंटी से हो जाइए सावधान, क्योंकि एक अनजान आवाज आपको मिनटों में कंगाल बना सकती है। एक अनजान आवाज आपको सेक्स ट्रोशन में फंसा सकती है। आपको अश्लील वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल किया जा सकता है। ये ठग कभी भी किसी भी रूप में मीलों दूर बैठकर आपकी गाढ़ी कमाई पर चपत लगा सकते हैं। न्यूज 24 पर आज ऐसे ही अपराधियों को करेंगे बेनकाब और दिखाएंगे टीवी इतिहास में पहली बार साइबर अपराधियों पर लाइव रेड। साइबर अपराधियों के मिनी कैपिटल के नाम से मशहूर राजस्थान का मेवात इलाका, इलाके के बेहद कम पढ़े लिखे लोग साइबर ठगी के एक्सपर्ट हो चुके हैं। आम नागरिक से लेकर सरकारी अधिकारी और सांसदों तक को चूना लगाने में महारत हासिल कर चुके हैं। मीलों दूर बैठे यहाँ के ठग सिर्फ फोन पर पल भर में लाखों के वारे न्यारे कर देते हैं। इन साइबर ठगों पर नकेल कसने के लिए राजस्थान पुलिस ने ऑपरेशन एंटीवायरस लॉन्च किया है। न्यूज 24 के संवाददाता केजे शिवत्सन पुलिस के साथ मेवात इलाके में अपराधियों के गढ़ तक पहुंचे। ऐसे खतरनाक इलाके जहां दबिश देने से पहले पुलिस भी संकोच करती है, ऐसे इलाके जहां कभी भी पुलिस पर हमला हो सकता है, जहां कभी भी गोली चल सकती है। राजस्थान पुलिस की स्पेशल टीम और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के जवान पूरी तरह तैयार है साइबर ठगों पर बड़ा हमला बोलने के लिए। वहां पर उनके लाइव ठिकाने पर रेड की जाएगी और इसके लिए बकायदा पूरे हथियार लेके ये जा रहे हैं, क्योंकि कई बार ऑपरेशन के दौरान देखने में यह भी आया है कि पथराव की घटना हो जाती है, कई बार सामने वाला गोली भी चला देता है, तो ऐसे में कोई कोताही नहीं बरती जाती। इन लोगों के पास एक इनपुट है। SHO साहब मनीष सर से बात करता हूँ। मनीष जी, किस तरह का इनपुट और क्या कार्रवाई के लिए आप जाएंगे? हमें हमारी पूरी रेंज में वृहद स्तर पर एंटीवायरस अभियान चलाया जा रहा है IG साहब के निर्देशन में, SP साहब के निर्देशन में। उसके तहत आज हमें सूचना विश्वसनीय सूत्रों से सूचना प्राप्त हुई है कि कुछ साइबर ठग हैं जो ठगी करते हैं और वो अपने मस्कन पर, अपने निवास स्थान पर छिपे हुए हैं। पूर्व में भी कई ऐसी वारदातें हुई हैं, पुलिस के साथ भी वारदात हुई हैं कि उन्होंने फायरिंग करने से भी नहीं चूकते हैं, तो प्रिकॉशन रखना बहुत आवश्यक है कार्रवाई के दौरान। निश्चित रूप से बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि जो मेवात क्षेत्र है पूरा अभी से ही नहीं, लगातार 3-4 साल से इस जो अपराध है साइबर फ्रॉड वाला उसमें लिप्त है। तो उसमें लिप्त होने के बाद में पुलिस भी लगातार पहले कार्रवाई करती रही है, पुलिस के साथ भी मुजामत होती रही है। तो ऐसी स्थितियों में, चूँकि सघन आबादी वाला क्षेत्र है, तो ऐसी स्थितियों में हमें भी पूरे प्रिकॉशन लेके और पूरी सावधानी पूर्वक यहाँ कार्रवाई करनी पड़ती है। अब न्यूज 24 की टीम भी जा रही है इस एंटीवायरस ऑपरेशन के लिए। राजस्थान पुलिस को गुप्त सूचना मिली, मेवात के लोहसर और हजारीबाग इलाके में कई साइबर ठग एक्टिव हैं। IG राहुल प्रकाश ने एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और डिस्ट्रिक्ट स्पेशल फोर्स के साथ साथ आई एक्सपर्ट के चुनिंदा जवानों की एक टीम गठित की। न्यूज 24 संवाददाता KJ शिवत्सन इस टीम के साथ मेवात में अपराधियों के गढ़ में लाइव रेड कवर करने निकल पड़े। तो हम निकल चुके हैं एंटीवायरस ऑपरेशन के लिए। यहाँ पर गाड़ी जाना संभव नहीं है, क्योंकि मेवात का इलाका ही कुछ इस तरह से है। तो ऐसे में हम जो एंटी वायरस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं अधिकारी लोग, जो यहाँ पर जवान हैं, उनकी गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, बाइक में बैठ के जा रहे हैं, और ये लोग सीधे हमें उस जगह पे ले जाएंगे, उस ठिकाने पे ले जाएंगे जहाँ पर की दबिश दी जानी है। और सुरक्षा का पूरी तरह ये लोग ख्याल हमारा भी रख रहे हैं और खुद का भी रख रहे हैं, क्योंकि इन्हें ब्रीफिंग ही कुछ इस तरह से दी गई है कि किसी भी तरह का आगे खतरा हो सकता है इन साइबर ठगों के द्वारा। मेवात इलाके के कई गांव को अपराधियों की शरण स्थली के तौर पर माना जाता है। रेड के दौरान पुलिस टीम पर कई बार हमले हो चुके हैं, लिहाजा पुलिसकर्मी वर्दी की जगह भीष बदलकर दबे पांव दबिश मारते हैं। अब मैं एंटी वायरस ऑपरेशन को अंजाम देने जा रहे DST टीम से बातचीत करूंगा। कितना मुश्किल हो जाता है? आप तो बहुत बार ऐसी रेड मार चुके होंगे। ये बड़ी मुश्किल की होती है, इसमें
और बार बार दिक्कत आती हैं, लेडीज आ जाती हैं, बच्चे आ जाते हैं और बहुत ही मुश्किल का सामना करते हुए ये कार्रवाई की जाती है। ये देखिए, इनका ये कहना है कि जरा सी देर किसी जगह दबिश देने जाते हैं तो वहाँ पर रुकने पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है, उन लोगों को यानी कि साइबर ठगों को बचाने के लिए, तो ऐसे में काफ़ी मुश्किल हो जाता है इनके लिए भी इस ऑपरेशन को सटीक तरीके से अंजाम देना। पुलिस की आईटी एक्सपर्ट टीम एक साइबर माफिया के नंबर को लगातार ट्रेस कर रही थी। लोकेशन मिली लोहसर गांव के एक घर की। सादी वर्दी में पुलिस के जवानों ने घर को चारों तरफ से घेर लिया और पीछे के दरवाजे से बाज की तरह अपने शिकार पर धावा बोल दिया। ये टीम पहुंच चुकी है, देखिए यहाँ पर दबिश देने जा रही है। इन्हें जिस जगह की शिकायत मिली थी उस जगह, काफी पहाड़ी और उबड़ खबड़ वाला ये पूरा इलाका है। मैं आपको इस पूरी टीम के साथ जाके बताता हूँ कि किस तरह से, ये देखिए। घर के भीतर पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज तीन शातिर साइबर ठगों का गिरोह शरण लिए हुए था। पुलिस की सादी वर्दी दस्ते ने तीनों को धर दबोचा, लेकिन आसपास की महिलाओं ने मदद के लिए शोर मचाना शुरू कर दिया। इन लोगों को पकड़ लिया गया इनके, तो ये पूरी कार्रवाई यहाँ पर जारी है। और यहाँ पर आप देखिए, जैसे ये पहुंचे यहाँ पर आगे टीम, पीछे पीछे यहाँ पर कमांडो स्पेशल टीम के दस्ते भी यहाँ पहुंच गए। घर की महिलाएं, ये देखिए घर की, ये देखिए यहाँ पर देखिए, ये वो लोग हैं, ये सब साइबर ठग हैं। इन दोनों को पकड़ लिया गया है, तो कुल मिलाकर अब आगे की कार्रवाई होगी। अंदर जाइए, अब पुलिस आपको पूरी जगह दबिश देती हुई नजर आएगी। यहाँ पर पुलिस दिखाएगी कि किस तरह से ये पूरी कार्रवाई चल रही है, यहाँ कितने और लोग हैं। अब पुलिस यहाँ पर जांच कर रही है, इनके घर ठिकाने पे एक एक चीज़ों की जांच कर रही है। मोबाइल सिम फोन का सिम कार्ड लगातार यहाँ पर मिल भी रहे हैं। मेवात इलाके में पुलिस टीम किसी भी गांव में ज्यादा देर नहीं रुकती। अपराधियों को बचाने के लिए अक्सर भीड़ जमा कर पुलिस पर पथराव शुरू कर देती है, लिहाजा पुलिस दस्ते के साथ हम भी जल्द गांव से बाहर निकल आए। वायरस के तहत अब साइबर ठगों को गिरफ्तार कर लिया गया और इनके घर से दबिश देकर अब इन्हें थाने ले जाया जा रहा है। इनके पास से कुछ मोबाइल फोन जब्त हुए हैं, कैश जब्त हुआ है, कहां से ये पैसा है, क्योंकि इस घर में केवल दो भैंसे हैं लेकिन इनके और खेत भी नहीं है। बावजूद इसके घर पे बड़ा लंबा चौड़ा परिवार है और सबके हाथ में नकदी भी यहाँ पर मिली है। फिलहाल कुछ सिम है, मोबाइल्स हैं और ये ATM क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड्स हैं, कुछ मनीष जी के पास है, तो उनके बारे में उनको लेके जा रहे हैं, उनके बारे में पूरी डिटेल्स लेंगे। लेकिन इन ATM कार्ड पे कहीं भी उनका नाम तक नहीं लिखा हुआ है, एक में भी नाम नहीं है। बिल्कुल नाम नहीं है, हमने उनके जो भी घर वाले थे उनसे पूछा था तो उन्होंने, उनके किसी के नाम से ही जारी नहीं है, तो अभी फिलहाल ये डाउटफुल है, तो इसके संबंध में अपन जानकारी करेंगे। ये पैसा जो साइबर ठगी करते हैं उसको निकालने के, ये क्या है, फर्जी अकाउंट्स खोलते हैं, अकाउंट्स खोलने के बाद में फर्जी ATM कार्ड डेबिट कार्ड जारी करवाते हैं और फिर उनमें पैसे डलवाने के बाद में उनको किसी तीसरे आदमी के मार्फत निकालते हैं जिनसे इनकी पहचान छुपी रहे। तो अब इस पूरे मामले की तफ्तीश भी आगे होगी, फिलहाल तो इन्हें अब यहाँ से पुलिस थाने में ले जाएगी और थाने में ले जाके पूछताछ करेगी। तो इस तरह से राजस्थान में एंटीवायरस ऑपरेशन चल रहा है। इस बीच पुलिस के IT एक्सपर्ट ने बताया कि 4 किलोमीटर के दूर पहाड़ी पर एक गिरोह सक्रिय है। पुलिस की टीम के साथ हम भी पहाड़ी की तरफ निकल पड़े। पुलिस की रेड की भनक अपराधियों को लग चुकी थी। अपराधी पुलिस को चकमा देने में जुट गए। स्पेशल दस्ते ने अपराधियों का पीछा किया और गोली चलने की नौबत तक आ गई। साइबर ठग को पकड़ने आए थे, क्या हुआ, यहाँ पर दो लोग ऊपर भी थे, उनका क्या हुआ सब? वो क्या है, उनको रास्ता क्लियर था, हमको रास्ता क्लियर नहीं है, पहाड़ का रास्ता है, उनका डेली का काम है, तो अपन ने डेली के काम में उतने पहुंचे तो वो उतने स्लिप हो गए, उन्होंने सीढ़ी नुमा जगह बना रखी है और उनसे वो हो गए। हम दूसरे घर में घुसे थे, इतने पहुंच पाए, इतने अपने दो तीन को अपने को ले लिया है, अब क्लियरिटी करते हैं कि वो कौन है। यहाँ सभी करते हैं सभी भागते हैं। आप तो रिवॉल्वर भी तैयार कर रहे थे जी, वो मैं उनको एक धमकी दे रहा था कि रुक जाए, वो नीचे भाग रहे थे, हमने फायर इसलिए नहीं किया कि वो पहाड़ से गिर ना जाए और उनमें कुछ उनको चोट ना आ जाए, इसलिए हमने फायर नहीं किया। लेकिन यहाँ से भागना कितना मुश्किल था ये जी। बिल्कुल, हमने उनको समझाने की पूरी कोशिश की, हमने सख्ती से भी काम लिया पर वो नहीं रुके और हमने उन पर ऐसा कोई बल प्रयोग इसलिए नहीं किया
किया, कहीं से वो गिर ना जाए और चोट ना आ जाए। ये देखिए इस घर में यहाँ पर ये पूरा साइबर ठगी का काम चल रहा था, अड्डा बना रखा था। जैसे ही पुलिस के दबिश यहाँ पर हुई, ये यहाँ से भगते हुए आए और इस कांटो के ये जो लोहे की जाली लगी यहाँ से कूद कर वे आगे से आगे फरार होने में कामयाब रहे, क्योंकि ये रोज का उनका काम है इस तरह से इन पहाड़ी पर चढ़ना उतरना। क्योंकि सबसे ऊपर वाले इलाके में पहाड़ की चोटी पर ये इसलिए आए थे क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क भी आसानी से मिलता है, और यदि नीचे से पुलिस को आते हुए देखें तो अपने बचाव के लिए ये पहले ही तैयार अपने आप को तैयार कर सकें। पहाड़ी पर बने इस अड्डे पर भोग विलास की सभी सुविधाएं मौजूद थी, एसी से लेकर नेट कनेक्शन तक सब कुछ। पुलिस भले ही यहां चूक गई हो लेकिन हौसले बुलंद थे। इसी दौरान पास के हजारीबाग गांव में भी एक और साइबर ठगी के अड्डे की लोकेशन हाथ लगी। पुलिस ने बिना देरी किए धावा बोल दिया। लगातार दो रेड से इलाके में बदमाश और ठग सतर्क हो चुके थे, लिहाजा पुलिस कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। इस बार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। आप सोच रहे होंगे कि साइबर ठग इतनी बड़ी बड़ी ठगी करके उन पैसों का क्या करते होंगे। मैं आपको बताता हूं कि अभी अभी पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया है। साइबर ठगी के आरोप में दबिश दी गई थी जब इस गांव में, तो इस शख्स को गिरफ्तार किया गया है। अब इस शख्स के बारे में पहले आपको बात कराता हूं, फिर बात करता हूं। क्या नाम है? जिलसाद। जिलसाद। जिलसाद, क्या करते हो आप? नाईपणा का काम। कितना मिल जाता महीने का? महीने को 5-7 हज़ार रुपये। ठीक है। और कितने भाई हैं? 5 भाई हैं। क्या करते हैं? बाकी छोटे छोटे सब छोटे छोटे कमाने वाले आप एक ही हो? मैं हूँ एक, मेरा भाई वो चिनाई करता है। तो वो भी 5-7 हज़ार ही कमाता होगा? नहीं, वो तो 15-16 हज़ार। पापा बीमार हैं। अब देखिए 15 हज़ार बड़ा भाई कमाता है, छोटा भाई 7 हज़ार, ये 7 हज़ार कमाता है, इसे जिसे पकड़ा गया। अब मैं इसके घर के बारे में आपको बताता हूँ। ये इसका एक घर है, ये पूरा यहाँ पर ये देखिए, ये एक घर है, घर पे पूरा परिवार है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये देखो, यहाँ पर आपको पहले मकान दिखाऊंगा, ये पूरा इनका मकान है। अब मैं आपको दूसरी तरफ भी ले जाता हूँ, दूसरी तरफ वाला मकान भी देखिए। ये जो नया मकान कंस्ट्रक्शन अंडर कंस्ट्रक्शन जो दिख रहा है, ये मकान भी इसी का है, और कोई कमाने वाला नहीं है। अब कुछ इस तरफ मैं आपको ले जाता हूँ, यहाँ पर इनकी गाड़ियाँ देखिए। यहाँ पर एक ट्रैक्टर खड़ा है, एक क्रेटा गाड़ी खड़ी है। अभी तो शुरुआत है, अभी खत्म नहीं हुआ है। 15 हज़ार और 7 हज़ार करने वाले साइबर ठग के पास ये बोलेरो गाड़ी खड़ी है, ये बोलेरो गाड़ी खड़ी है, और उसके पास एक और ट्रैक्टर खड़ा है। और यहाँ पर ये गैरेज जैसा तो आप देख ही रहे हैं, ये पूरा आलीशान 3 मंजिल का मकान है ही इनका। तो ये साइबर ठग को आपने देख लिया होगा कि ऐसा गाँव जहाँ बिजली भी वक्त पर नहीं आती है, वहाँ पर इस तरह से बोलेरो, क्रेटा, दो दो ट्रैक्टर, दो दो आलीशान मकान कहाँ से आया होगा। ये मौजम के लड़के हैं जो कमाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, और उनके वो 15-15 हज़ार रुपये महीना में कमा के लाते हैं और ऐसी बिल्डिंग बना देते हैं। ये अनकटोटी बात बता रहा है बड्डो, इनके बच्चे आपके पचरी है ये बात कहे? कोई ना पचे साहब, हमारे तो कभी जिंदगी में ना पचे। हम पे 80-80 हज़ार रुपये ले रहे हैं, मोटरसाइकिल खरीदे तो पसीना आ जाते हैं हमको। वो तो साइबर ठगी के माध्यम से इन्होंने धन अर्जित किया है। और दूसरी बात यह है कि आज अभी अपन यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, यहाँ पे अपन ने दबिश दी है, उसका जो नंबर अपन को 1930 के माध्यम से 1930 पे जो कंप्लेंट हुई थी, हेल्पलाइन आपकी हेल्पलाइन पे जिस नंबर की कंप्लेंट हुई थी कि किसी एक्स व्यक्ति के साथ फ्रॉड हुआ है, उसकी कंप्लेंट हुई, उस नंबर की लोकेशन यहाँ पे आई हुई थी। हजारीबास का गाँव है ये, तो वो हमने अपने व्हाट्सएप पे चेक किया तो गणेश जी की प्रतिमा लगा रखी थी, लेकिन ये तो, और श्री जी सर जी करके नाम आ रहा था। अब ये मोबाइल हमने जो लोकेशन थी वो मोबाइल हमने रिकवर कर लिया है, और इसी से कॉल किया गया था, इसी से साइबर ठगी की जा रही थी। आम इंसान हो या वीवीआईपी, एक बार इन ठगों के चंगुल में फंसा तो लाखों की चपत लगना तय। आपको कंगाल बनाकर ये अनपढ़ साइबर एक्सपर्ट ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं। बेनामी बैंक खाते और सिम साइबर ठगों की सबसे बड़ी ताकत और हथियार है, और मेवात साइबर अपराध में राजस्थान का जामताड़ा। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ KJ श्रीवस्तन, भरतपुर, न्यूज 24।